आज तक हुआ नहीं ऐसा क्या आवाम की आवाज को रोका गया, आवाम की आवाज को आगे बढ़ने में रुकावटें, यस वो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुकावटों को बरकरार रखना हमेशा के लिए वो नामुमकिन है तारीखी तौर पर। आज भी हमारा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है और मीडिया पर्सन मुख्तलिफ शेड्स के साथ ताल्लुक रखने वाले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को साइलेंट, जम्मू कश्मीर में साइलेंस को नॉर्मलसी से तहबीर किया जाता रहा है और आज भी खामोश रहे कब्रिस्तान की तरह कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गाँवों में, शहर में कोई बात न करे, सर उठाकर ना चले, वो मंजूर नहीं है मौजूदा सरकार को, मौजूदा क़यादत को, मौजूदा लीडरशिप को। जहाँ तक पीएचईडी का ताल्लुक है, हमारा वजूद 4 अगस्त को तब ये हुआ मुमकिन जब एक कोशिश शुरू हुई थी आईन को मसक करने की, आईन को तोड़ने की, उन आईनी पोजीशन को हटाने की जो हमें मिले हैं एक लंबी जुदजहद के बाद, खैरात में नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जिनकी तौसीक भी की। आज इतना ही नहीं बल्कि आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टी से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं, हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर, हम बेइज्जती की ज़िंदगी नहीं चाहते। और मौजूदा सरकार ने ये तहिया किया है कि हमें बेइज्जत किया जाए, हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं जो हमें मंजूर नहीं। आज इसी वजह से हम जमा हुए ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहाँ तक पीएचईडी का ताल्लुक है, हम अलग अलग इकाइयों में हैं ज़रूर, हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहाँ तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयाँ, क्या हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी ज़मानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियाँ हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370 35A मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन जिसे गैर आईनी तौर पर ख़त्म किया गया, उसे बहाल किया जाए, ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। इसके साथ ही जो ज़मीन के बारे में कानून बनाया गया, जो डोमेसाइल लॉ बनाया गया, और इसके अलावा जो दावा किया जाता रहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का, डेवलपमेंट का, नौकरियों का, ये सब जो चर्चा किया जा रहा है, हमारे आवाम के सामने है कितना झूठ है और कितना सच है, ये ख्वाब है और ख्वाबों से जी नहीं भरता, भूख मिटती नहीं और इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि आज आप ये भी देख लीजिए कि जम्मू में कुछ हलके जो महसूस करते थे शायद कश्मीर की लीडरशिप का हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, आज जम्मू जाकर देख लीजिए उनकी बिजनेस का क्या हुआ, आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि वहाँ कितनी नौकरियाँ मिली, आज जम्मू जाकर देख लीजिए
कि उनके जो ज़मीन पर हकूक जो उन्होंने लड़ाई के ज़रिए हासिल किए उनका क्या हुआ, और सबसे बढ़कर जो दरबार मुँह एक वसीला था, कंट्रैक्ट था, ताल्लुक था, उसका क्या बना, जिसका नतीजा ये होगा आने वाले वक्त में जो जम्मू की बिजनेस है वो भी मुतासर होगी, या वो दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक उसकी बिजनेस को उसकी आमदनी पर आँच आएगी। ये मामलात हैं। और इसके अलावा जो हमने रेजोल्यूशन में नोट किया, अगर आप स्टेट कैडर को देख लेंगे, सेंट्रल कैडर को देख लेंगे, बड़े अफसरों की आज आप पूरा नक्शा देख लेंगे, सेक्रेटरी पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किनके पास हैं, आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस के महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए कि अब उनको अपनी जगह भी ना मिले, जलील करने की बात है। ये जिल्लत और ये रुसवाई, जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, हमने इयादा किया, हमें मंजूर नहीं। और इसके अलावा जहाँ तक मुलाजमों का ताल्लुक है, अभी एक आर्डर निकला जिसमें कहा गया कि अगर कोई पत्थर बाजी में हो, अगर किसी ने किसी के खिलाफ FIR हो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, या ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये हमारे मुल्क में अभी भी जुडिशल सिस्टम बराबर है, अभी भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है, बगैर किसी शख्स को ये साबित किए बिना कि वो मुजरिम है अदालत के ज़रिए, तब तक वो बेगुनाह माना जाता है, तब तक आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं अपने हकूक से। तो इसी वजह से हमने बार बार कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए, हमने वहाँ कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए, हमने ये कहा कि जेलों में अब जगह नहीं है कहीं, ना रियासत में ना रियासत से बाहर, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चे, जवान भरे हुए हैं जेल। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायज़ा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया, ये हमें बताया जाए। और अभी एक आला ओहदे पर काम करने वाले बड़े मुंतजिम ने कहा यहाँ कोई सियासी कैदी बंद नहीं है। मैं हैरान हूँ, अभी भी रानावारी का एक जवान गिरफ्तार था उधर गुजरात की जेल में, 10 साल के बाद रहा हुआ, और अदालत ने साबित किया कि वो बेगुनाह था। इसी के अलावा लाल बाजार के एक जवान को कितने सालों के बाद रहा किया गया, रामबन में भी। रामबन, आप ये बताइए कितने लोग हैं, क्या उनको 10 साल 11 साल इंतजार करना है, जिनके खिलाफ आपने रेड किए, CBI का रेड, NIA का रेड, बाकी रेड, जिनको ये इल्ज़ाम दूसरा इल्ज़ाम। और बल्कि आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है हर सतह पर यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल कारकुन को मसख करने की, जैसे कि यहाँ सिर्फ चोरों के बगैर और कुछ नहीं, ये एक ज़िल्लत आमेज़ रवैया PAGD का इरादा है, इयादा है, हमें मंजूर नहीं। हम ये मुकदमा हिंदुस्तान के, मुल्क के, जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया हाउसेस, मीडिया में काम करने वाले कारकुनों, और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे बल्कि मुजर रहेंगे मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।